ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग है बैग्स एंड सॉफ्ट लगेज का, एंड हम बेसिकली सॉफ्ट लगेज और बैकपैक्स की मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में कर रहे हैं. वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री सिंस 1976 बिकॉज इट वाज स्टार्टेड बाय माय डैड. मैंने ज्वाइन करा था 2001 में. सो काफ़ी तरह के मॉडल्स हम कर रहे थे. अभी तक हम OEMs कर रहे थे, अभी तक हम जनरल ट्रेड में सप्लाई कर रहे थे. तो अब ये हमारा एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है. करंटली वी आर ऑल्सो मेकिंग फॉर टॉमी हिल्फिगर. और अब मैं चाह रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू लॉन्च माई ओन ब्रांड. मैंने ब्रांड नेम मेरा जो है वो कैरी मेट के नाम से है. तो साथ साथ मैं इसको भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ. तो इसके लिए आई जस्ट अभी जैसे स्टार्टअप्स की वो चली तो फंडिंग और ये सब शुरू हुआ, तो मेरे को इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि मैं अभी प्रोप्राइटरशिप चला रहा हूँ एक फर्म, तो इसको स्टार्टअप में सॉरी फंडिंग के लिए लेके जाने के लिए और फंडिंग से क्या बेनिफिट्स हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, और एक जैसे कहते हैं वैल्यूएशन लगानी कंपनी की और इक्विटी देना और ये सारी चीज़ों पे आई डोंट हैव एनी नॉलेज. मैं ले सकता था किसी भी सीए से या ये सारी चीज़ों में, लेकिन मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए इस पे. तो वो कैसे मेरे को मिल सकती है? जी देखिए, सबसे पहले तो प्राइवेट लिमिटेड ही करनी है आपको, प्रोप्राइटरशिप बंद कर देनी है. प्रोप्राइटरशिप जो है ना, एक सर पर लटकी तलवार है, ऐसे कभी भी गिर जाती है. आपका प्रोडक्ट पे किसी ने चेन्नई से बैठ के केस कर दिया तो आपको वहां जाना पड़ेगा, क्रिमिनल हो गया तो पुलिस अरेस्ट कर ले जाएगी. आपके पास फर्म में पैसे खत्म हो गए, उधारी थी तो आपके वो बैंक अकाउंट, आपका मकान सब बेच देंगे, है ना. जीएसटी में अगर झूठा किसी ने, जो कि ऐसा हो जाता है, कई लोगों के साथ हुआ है, कुछ झूठा डिमांड आ गई तो आपके वो मकान बेच के पैसा ले जाएंगे, दे कैन सीज योर अकाउंट. इसीलिए सबसे पहले तो व्यापार को अपनी जिंदगी से अलग करना चाहिए. जब आप प्रोप्राइटरशिप होता है ना, वो चाट पकौड़ी वाले के लिए, गोलगप्पे वाले के लिए ठीक होता है. क्यों होता है? क्योंकि वो उसका काम ही उस लेवल तक है कि वो मैनेज कर पा रहा, सब कंट्रोल कर पा रहा है लोकली, जो सब कंज्यूम हो रहा है उसके सामने हो रहा है ना. तो लेकिन जहां हमारा प्रोडक्ट बाहर जाता है, हमारी नजरों से दूर जाता है, हमें कभी भी प्रोप्राइटरशिप नहीं रखनी चाहिए. ये पहला प्रिंसिपल है, ठीक है. कोई बहुत खर्चा नहीं है, 12,500 रुपये आपका कंपनी बनाने के, हमारे आप हमारी टीम का यूज कर सकते हैं और 8-10 दिन में कंपनी बन जाएगी. 12,500 का खर्चा है और साल का आप समझो करीब 50-55,000 रुपये का खर्चा आएगा कंप्लाइंस का. बट उसका आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सरकार ये कहती है या तो एक ऑडिटर के थ्रू सारी कंप्लाइंसेस करवाओ, है ना, ऑडिट करवाओ, वॉच करवाओ, तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड, आपकी जिम्मेदारी खत्म. फिर तो सीए की जिम्मेदारी आ गई. जो भी एनोमेलिटीज हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो सीए साहब देखेंगे, उनकी उन्होंने पढ़ाई करी और सरकार उन पे विश्वास करती है. तो आपकी टेंशन तो गई ना. आपने ये 50-60,000 रुपए का खर्चा किया जिसमें आपकी अकाउंटिंग हो रही है, आपको तमाम तरह के डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं. अभी आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि मैं धागा कितने का खरीदता हूं. अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका वो सब प्रॉपर हो जाएगा कि धागा कितने का खरीद रहा हूँ, है ना, मैं सिलाई पे कितना दे रहा हूँ, किस बंदे ने कितनी छुट्टियां मारी थी, इतने बजे से इतने बजे काम करने पे क्या फायदा होता है, ये सारे डेटा पॉइंट्स आने लग जाएंगे आपके पास. क्योंकि एक तरफ ऑर्गेनाइज करना शुरू करोगे, फिर CRM पे जाओगे, फिर ERP पे जाओगे, सॉफ्टवेयर का यूज करना शुरू कर दोगे आप, तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा. तो पहली बात तो ये कि बिल्कुल साहब, प्रोप्राइटरशिप तो बिल्कुल मना है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करिए, सीए अच्छा रखिए. तो हम लोगों ने एग्रीगेशन कर रखा है अलग अलग सीए का, हमें पता है कौन किस तरह से काम करता है और किस बिजनेस के हिसाब से वो अकाउंटिंग वगैरह अच्छी कर पाते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी बात आ जाइए कि हमें बनाना क्या है. अगर आपको ब्रांड एस्टेब्लिश करके मार्केट में जाना है तो आज की डेट के अंदर एक मॉडल है जिसे हम D2C कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, वो सबसे ज्यादा चल रहा है. और D2C मॉडल को हम समझेंगे वो क्यों चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है. पहले क्या होता था, पहले एक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए आपने दिल्ली में प्रोडक्ट बनाया और उसकी डिलीवरी होनी है मान लीजिए हैदराबाद में, तो उसको पहुंचाने के लिए सबसे पहली बात प्रोडक्ट डिस्कवरी वो ही नहीं हो पाती थी. दिल्ली वाली कंपनी हैदराबाद में कैसे बैठेगी? दूसरी बात, फिर प्रोडक्ट के लॉजिस्टिक्स नहीं हो पाते थे. आपको पूरे ट्रक में माल भेजना पड़ता था, फिर वो हैदराबाद में जाएगा, कोई तो उतारेगा, कोई रखेगा अपनी दुकान पे, ऐसे चलता था. फिर उसके बाद डिलीवरी, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग,
पैकेजिंग, पेमेंट एक्सेप्टेंस, है ना, एंड लोकल अश्योरेंस, ये सब भी नहीं हो पाता था पहले. मतलब उसके लिए हमें एक फिजिकल पार्टनर रखना पड़ता था, जिसको हम डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F ये मॉडल में करते थे फिजिकल में, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी. अब धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई तो अब क्या हुआ, आपकी प्रोडक्ट डिस्कवरी बड़ी आसान हो गई. आपको हैदराबाद में कंज्यूमर चाहिए, आप फेसबुक पे जाइए, आप उसके अंदर या गूगल पे जाइए, अपने ऐड में सेलेक्ट करिए ओनली शो द ऐड टू द लोकल हैदराबाद पीपल. उसमें भी आप कोंडापुर में जाना चाहते हो कि आप जहां पर भी जाना चाहते हो माधापुर के अंदर, यू कैन सेट ऑफ दैट कि भाई मैं वहां पर ही मार्केटिंग करूंगा, मुझे तो वहां का कंज्यूमर से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है या ज्यादा रिटर्न आ रहा है. और ये तो हो गई डिस्कवरी की बात. अब ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग भी ऑनलाइन हो जाती है, आपके वेबसाइट से ऑर्डर हो जाता है. अब रही लॉजिस्टिक्स की बात, तो पहले लॉजिस्टिक्स की डिपेंडेंसी होती थी. जब शुरू शुरू में अमेजोन वगैरह आए तो इन्होंने एक मॉडल बनाया, एक सिस्टम बनाया, जिससे ये पूरी इंडस्ट्री को ओवरऑल करके सस्ता कर दिया सिर्फ इनके थ्रू. अब क्या है, आपके पास ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्या करते हैं, कुरियर के भी एग्रीगेटर बन गए हैं. वो 15-20 कुरियर के रेट छांटते हैं और रियल टाइम में आपको बेस्ट रेट दे देते हैं. तो आपका दिल्ली से चेन्नई या दिल्ली से हैदराबाद आधा किलो का पैकेट 55 रुपए में पहुंच जाता है, विच वॉज नॉट पॉसिबल. लोकल कुरियर ही 55 लग जाते थे दिल्ली दिल्ली सर्कल के, और एयर से पहुंचा देते हैं वो आधा किलो का पैकेट. तो इससे क्या है, आपका अगर प्रोडक्ट, यानी आपके तो बैग्स हैं बहुत भारी नहीं है, भारी प्रोडक्ट को D2C करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है. भारी नहीं है, आपका इस मॉडल में फिट बैठता है, आप D2C के अंदर कुरियर के थ्रू भेज सकते हो आराम से, ठीक है. और ये सबसे बड़ी समस्या थी कि फिजिकल लोकेशन चाहिए, एक स्टोर जिसका रेंटल चलेगा, जिसका स्टाफ होगा, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगी, जिसके टैक्सेस, बहुत कुछ जाएगा, वो सब आप अवॉइड कर सकते हो. आपने सीधा ग्राहक के घर तक पहुंचा दिया, मिडिलमैन टोटल हट गया, 40-45% से लेके 60-70% तक आपका नेट मुनाफा है एक्स्ट्रा जो आप बचा लोगे, है ना. उसमें से आप क्या करोगे, यही पैसा आप डिजिटल मार्केटिंग पे खर्च दोगे, CAC जिसको बोलते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. आपकी डायरेक्ट CAC आएगी थ्रू एक्विजिशन चैनल्स लाइक फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यहां से डायरेक्ट आएगी. और आपके केस में इंस्टाग्राम मैजिक की तरह काम करेगा, क्योंकि फोटोग्राफ्स जो अपीलिंग होती है ना जिस चीज में, वो आपके में. फिर आपको एक ब्रांड एम्बेसडर चाहिए होगा, वो भी हम दिलवा देंगे, ठीक है. 10-1 लाख रुपए में पूरे साल के लिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं जो रेडी हो सकते हैं, जैसे जरीन खान है, जिनके 12,20,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है. मैंने बात नहीं करी है, बट मुझे एक अंदाजा है कि 10 लाख रुपए में साल का आपको वो 4-5 पोस्ट दे देंगी, बैग्स उनके ऊपर सूट भी करेगा, फीमेल है, और ये 10 लाख रुपए तो आपके एक महीने में रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि 12,20,000 लोगों तक जब आपका रीच आउट होगा, इमीडिएट डिमांड आएगी, है ना. उससे पहले आपको क्या तैयार रखना है, आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेबसाइट का, जिसमें ई कॉमर्स हो, जिसके अंदर आपका लॉजिस्टिक्स पार्टनर का API ऑलरेडी सेट हो, है ना, बिलिंग ऑनलाइन होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, कस्टमर के पास ट्रैकिंग होनी चाहिए, और COD का ऑप्शन होना चाहिए. जब आप नए नए होते हैं तो हर ग्राहक आपके साथ विश्वास नहीं करता, वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि आप चाइनीज फर्जी कंपनी नहीं है जो सिर्फ पैसा उठा के भाग जाएंगे, है ना. तो उनको COD का ऑप्शन देना पड़ेगा, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो आपका वाउच करे, वो भी हम कर रहे हैं. हम जिनको स्टार्टअप्स को अपने साथ इनक्यूबेट एक्सेलरेट कर रहे हैं, हम उनके साथ एक स्टैंपिंग भी कर रहे हैं कि स्टार्टअप लेंस एक्सेलरेटेड. इसका मतलब ये पैसा लेके आपका नहीं भागेंगी, सिर्फ इन्वेस्टर का ही नहीं, ग्राहक का भी, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो 15 देशों में है, 56 सिटीज में हम काम कर रहे हैं, काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो वो विश्वास लेवल आ जाता है. और वो वाउच का भी काम कर रहे हैं कि साहब हम आपका पैसा सेफ है, अगर वो स्टार्टअप लेंस के थ्रू कोई कंपनी आई है एक्सेलरेटेड या इनक्यूबेटेड, जिसमें हम 5-10% एक्सेलरेशन में 5% और इंक्यूबेशन में 10% इक्विटी लेते हैं, ये सारा मॉडलिंग भी कराते हैं. और सबसे बड़ी बात है, आपके साथ वाउचिंग हो रही है, आपके ऊपर कस्टमर विश्वास करना शुरू कर रहा है क्योंकि स्टार्टअप लेंस आपके साथ जुड़ गया. तो जब ये सारा मॉडल आप कर लेंगे तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग करनी है और फिर कस्टमर का रिटेंशन करना है. रिटेंशन करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही ग्राहक के पास मटेरियल पहुंच गया, आप सबसे पहले उनको कॉल करके थैंक यू बोलेंगे और एक आपके कॉल सेंटर से फोन जाएगा कि आपका मैम कोई भी
अगर आपको इशू आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप इस नंबर पे फोन करो, वी विल रिप्लेस द प्रोडक्ट। बेसिकली वारंटीज हो गया। हाँ, वारंटी विद प्रोएक्टिव कनेक्ट। एक तो वारंटी तो होती है जिसमें ग्राहक को खुद ही जाके रजिस्टर करना पड़ता है ना, मैं आपको प्रोएक्टिव कनेक्ट बता रहा हूँ, उसके आपको 10% एक्स्ट्रा कमाई होती है उससे। अगर आप किसी ग्राहक के साथ जुड़ गए, आपने प्रोएक्टिवली कॉल कर लिया, तो आप 10% ज्यादा कमा सकते हो और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप अपने आप को ऐलान करके ये एस्टैब्लिश कर रहे हो कि मैं ब्रांड हूं। सिर्फ ब्रांड की बस की है ये काम करना, है ना, या जिसकी सोच ब्रांडेड हो, राइट। तो अगर आपका विजन अच्छा है तो आप ये पहले दिन से करिए। आप अपने कस्टमर को ये सारी बातें पूछिए, उनको बुरा लगता है, कोई चीज खराब लगती है, साफ कैसे करना है, ये सब चीजें रेगुलरली उनको बताइए। उनको छोटे छोटे वीडियोस भेजिए, उनको एंगेज करिए, उनको बोलिए मैम अपना फोटो खींच के भेजें और हम अपने इंस्टाग्राम पे डालेंगे, ठीक है। उसमें आप उनको थैंक यू लिखिए, ये छोटी छोटी अप्रिसिएशन, ये सब ग्राहक के साथ, कस्टमर के साथ जुड़ाव, ये आपको आगे ले जाता है, जो बड़ी कंपनीज उस लेवल पे नहीं कर सकती जिस लेवल पे स्टार्टअप्स कर पा रही हैं। और जब आप ये करोगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, उस टाइम पे हम आपकी फंडिंग पे आपको पुश करेंगे और पिचिंग करा के शुरुआत में शायद आपको पहला ट्रांच 50 लाख का दिलवाएंगे, विच इज ऐसा ही करते हैं हम, पहला जब ट्रांच किसी को दिलवाते हैं तो 50, 1 लाख, 1 करोड़ इतना, फिर 2, 2.5 करोड़, और उसके बाद फिर आप बड़ी फंडिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको स्केल अप करना है, जब आप D2C में अच्छा करने लगेंगे तो फिर आपके कुछ एयरपोर्ट पे हम स्टोर खोलेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से सेल तो होती है, पॉपुलैरिटी बहुत हो जाती है ना, तो वो एयरपोर्ट के स्टोर आपके मॉडल में बहुत काम करेंगे, लग्जरी बैग्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है ना, तो ऑल दोज थिंग्स कुड बी टेकन केयर ऑफ। जो अच्छे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं वहां पर भी वो कर सकते हैं हम, और मुझे नहीं लगता कोई आपके अगर D2C स्टाइल में काम करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी। प्रोडक्शन आपको बहुत सारा चाहिए होगा लेटर ऑन, और फिर आप दूसरी कंपनीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनसे भी प्रोडक्शन मंगाना चालू कर सकते हैं अलग अलग लोकेशन में। फिर आपको वेयरहाउसिंग चाहिए होगी, जहां से ज्यादा सेल आ रही है, अगर साउथ से ज्यादा सेल आ रही है तो आपको चेन्नई, हैदराबाद, आपको वहां पर वेयरहाउस में माल रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका ना, वो आप सेव कर पाओगे। फिर लोकलाइजेशन भी होता है, हर किसी के एरिया के लोगों के हिसाब से, जहाँ ठंड ज्यादा है उनको उस हिसाब से चीजें पसंद आती हैं, यहाँ पर ठंड कम है उनको उस हिसाब से पसंद आती है, कलर का भी चेंज हो जाता है, टेक्सचर का चेंज हो जाता है, हर किसी का अपना एक टेस्ट प्रेफरेंस चॉइस होता है रीजन वाइज, कुछ रिलीजन वाइज भी होता है, मुस्लिम है तो उनको ग्रीन कलर के हिसाब से ज्यादा अच्छा लगता है, तो हर वो कस्टमाइजेशन आपको लोकलाइजेशन के हिसाब से करके आपको उसी हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर बताएगा कितना माल कहाँ रखना है, किस वेयरहाउस में रखना है, कब रखना है, एवरीथिंग वो वहां से आता है, ठीक है। तो इसमें ना जैसे आपने बोला, मेरे को इसमें भी कुछ कंसर्न्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप कह रहे हो प्राइवेट लिमिटेड में चाहता हूँ मैं, तो व्हेन आई गो टू द प्राइवेट लिमिटेड और D2C शुरू करता हूँ, तो मेरा जो अभी करंट मॉडल चल रहा है, जो OEMs के लिए मैं कैटर कर रहा हूँ या मैं होलसेल और बल्क क्वेरीज को कर रहा हूँ, तो उसको वो एक एंटायरली डिफरेंट सेगमेंट हो गया, ये D2C जाने से मेरे को इसका अलग से सेटअप करना पड़ेगा, तो डू आई नीड टू ओपन डिफरेंट कंपनीज और एक ही कंपनी में मर्ज हो सकता है दोनों? कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही में मर्ज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। आप उसको पहले तो एक्वायर करो कंपनी, ये जो फर्म है इसके एसेट एक्विजिशन हो जाएगा नई वाली में और कस्टमर एक्विजिशन हो जाएगा नई वाली में फर्म से, तो आपका टोटल बिजनेस जो है वो फर्म से चला गया कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड। वो तो वैसे भी करना है, आप स्टार्टअप बनाओ ना बनाओ, प्रोप्राइटरशिप आपके लिए नहीं है। जब भी आप कोई ठीक ठाक तरह से काम करना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड तरह से ही करना है, लाइबिलिटी का फर्क है, लिमिटेड लाइबिलिटी होना बहुत जरूरी है, टेंशन फ्री होना चाहिए काम, है ना। आप प्रोप्राइटरशिप में सारी जिम्मेदारी आपकी है। इसके लिए और जैसे मेरे क्वेश्चंस होंगे वो कौन आंसर कर सकता है बेटर तरीके से, क्योंकि अभी टाइम भी शॉर्ट है, जैसे एक एक चीज को लेके अगर हम प्राइवेट लिमिटेड के प्रोस एंड कॉन्स जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन और डिटेलिंग में मेरे माइंड में भी कुछ, ठीक है, CA को लेके जो क्वेश्चन है वो आपको हम CA से आंसर करवाएंगे, है ना, हमारे पास 15-20 साल एक्सपीरियंस ही है, तो आपको हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर्स हैं, मानसी हमारी CA की कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपको CA के साथ फोन कॉल करा देंगी, तो वो CA के साथ आप सारा समझ सकते हैं कि भाई जो भी आपके कंसर्न्स हैं, आपके लीगल के जो कंसर्न्स हैं वो हमारे लॉयर्स हैं, LLM किया हुआ है हमारे लॉयर्स ने, ठीक है, इन हाउस है, सैलरीड है, तो शानी और श्रीजा दो लॉयर्स हैं हमारे, उनसे आप लीगल कुछ भी कंसर्न है आप पूछ सकते हो, लीगल रिटेनर सर्विस भी है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है,
₹8,000 में हम आपको लॉ फर्म रिटेन करके देते हैं 16 घंटे के लिए। जब भी आप किसी के साथ काम कर रहे हो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करना है। इंडिया में लोग ज्यादातर ये मिस आउट कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, बाद में परेशान हो जाते हैं। किसी के साथ कोई पेपर आया आप पढ़वाते नहीं है लोग, वो पढ़वाना बहुत जरूरी है। ये सारा हम मिस आउट कर रहे हैं, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में ये चल रहा है और बाद में परेशान। कल मेरे फ्रेंड का मुझे फोन आया, बोले मेरे को एक कंपनी ने टेक ओवर किया, उन्होंने मुझे वादा किया था इक्विटी देंगे और मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लिया, मैंने पढ़ा नहीं गुड फेथ में। एक महीने बाद उनको पता लगा कि इक्विटी वाला क्लॉज हटा दिया उन्होंने, तो मिला क्या उनको, केवल ₹40,00,000 मिले, 3.5 करोड़ की इक्विटी थी वो खा गई कंपनी, चीटिंग कर ली। इन्होंने सोचा सब तो सही है, मेरे जान पहचान वाले हैं, वो उड़ गया सब कुछ। लॉयर को दे देते ₹5,000 तो इन सब चीजों से बच जाते, पर हम करते नहीं है। उसका भी हमने सस्ता सॉल्यूशन निकाल दिया कि साहब ₹8,000 महीना दो, पूरे महीने के लिए पूरी लॉ फर्म आपके साथ है, 16 घंटे बहुत होते हैं, 16 घंटे में बहुत, हर समय थोड़ी लीगल काम चलता है। तो वो आपको जरूरी होता है क्योंकि छोटे छोटे पैसे नहीं मांगते हम, किसी ने ₹50,000 मार लिए आप रिकवरी नोटिस ही नहीं भेज रहे हो। तो ये सब चीजों के लिए एक लॉयर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ चलने चाहिए, तो वो आपकी उन सब से बात करा देंगे। उसके अलावा अगर आपको बिजनेस रिलेटेड कोई सवाल है और आप 1-to-1 करना चाहते हो जो आप पब्लिक में नहीं पूछ सकते, आप स्टार्टअप लेंस की साइट पे जाके कॉन्टैक्ट में बुक अ कॉल है, 15 मिनट के लिए या 20 मिनट की कॉल रहती है, उसका एक छोटा सा पे फी है ₹1,500, आप वो पे करके, एंड दिस कुड बी एक्सटेंडेड टू 40 मिनट्स, 20 मिनट वाली कॉल कोई बिना पैसे दिए 40 मिनट की हो जाती है, तो वो आप वहां से बुक करके 1-on-1 मेरे से बात कर सकते हैं कॉल बुक करके, और फिर हम आगे की बात उसमें पर्सनली कर सकते हैं। तो ये सारा है, बाकी आप कहेंगे तो मैं आपको कॉल करवाता हूँ उनसे, मानसी आपको कनेक्ट कर देंगी CA के साथ। हाँ बिल्कुल, आई जस्ट वॉन्ट टू, मतलब मेरे को इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना ही है, एंड वही मैं एक बार मेरे को एक जैसे मैंने ग्रुप में भी डाला था, आई नीड अ मेंटरशिप फॉर दिस, सो उसके लिए आई जस्ट जॉइन टुडे। कहाँ रहते हैं आप सर? दिल्ली में रहते हैं, तो टाइम निकालिए आप, गो आइए कभी, मिलते हैं और इसको आगे एक बार कनेक्ट हो जाएंगे पहले गूगल पे और फेस टू फेस पे या GMeet पे, एंड देन मे बी वी कैन जस्ट डिस्कस अपॉर्चुनिटीज, एंड एक बार उस पर आप मेरे को गाइड जैसे करेंगे तो मे बी वी कैन प्लान इट। तो आपको D2C करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली, दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच आई नीड टू टेक इज D2C एंड प्रमोट माय ब्रांड पैन इंडिया। सबसे पहला काम तो आप कुछ करो ना करो, कंपनी जरूर प्राइवेट लिमिटेड कर लो, है ना, प्रोप्राइटरशिप बहुत बड़ा खतरा है, मैं तो हमेशा ही बोलूंगा, मैंने आंखों से देखे ये सब समस्याएं। तो जैसे मैं अपने CA से बात करता हूं तो वो कहता है कि आप प्रोप्राइटर आप उसमें जाओगे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे और ऐसे ऐसे कर रहे, मतलब उनको पता नहीं है या क्या, आई डोंट नो। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, फर्ज करो आपके ऊपर GST का कल को रिकवरी आ गई 5 करोड़ की, मान लो झूठी थी और आपको अरेस्ट करके ले गए 2 दिन के लिए, आप रह पाओगे? मैं तो 2 घंटे नहीं रह सकता, क्यों ऐसे जान को कलेश लेना? मेरी भी फर्म थी, मैंने सब बंद कर दी, मैंने एक बारी GST की रेट देख ली थी, है ना, तो तब मुझे समझ आया, मैं भी ऐसी सोचता था, तब मुझे समझ आया कि ये बिजनेसमैन के लिए नहीं है, ये छोटे वाले जो काम कर रहे हैं ना, छोटे व्यापारी जिनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, उनके लिए बनी है प्रोप्राइटरशिप। और सच्चाई है, प्राइवेट लिमिटेड कहती है कि आपने बैंक से पैसा ले लिया, वो सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन बन गया, सारी जिम्मेदारी उसकी है आर्टिफिशियल पर्सन की, आप ओनर नहीं हो उसके कंपनी के, सरकार कहती है आप ओनर नहीं हो, कानून ये कहता है कंपनी के आप डायरेक्टर हो, केयर टेकर बन सकते हो, मालिक नहीं हो, ना ही कंपनी डायरेक्टर के जिंदा रहने से ना मरने से कभी बंद नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टर बदल जाते हैं, कंपनी परपेचुअल अपने जिंदगी भर जीती है, कंपनी को बंद ऐसे भी नहीं कर सकते मन मर्जी, कंपनी को बंद करने के लिए कोर्ट से परमिशन आती है, ना, या ROC में एक पिटीशन डलती है, तब एक प्रोसेस है, आप समझ रहे हो, तो कंपनी की ट्रस्टवर्दीनेस ज्यादा है, कोई उससे सामान खरीद रहा है, कोई पैसा लगा रहा है, तो उसकी ट्रस्टवर्दीनेस है कि भाई वो ह्यूमन डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी चलती रहेगी, सरकार बीच में है, एक ऑडिटर है, इसमें कोई चोरी चकारी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। अब मुझे नहीं मालूम आपके CA साहब क्यों मना कर रहे हैं, जबकि CA को नॉलेज होती है हर चीज की, वो क्यों मना कर रहे हैं मुझे उसका रीजन नहीं पता, या वो कंपनी मैनेज नहीं करना चाहते, या फिर कोई ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, तो वो सब भी मैनेज हो जाती हैं, अगर कुछ यू नो ऐसी कंडीशंस हैं जहां आपका कैश इन्वॉल्वमेंट होते हैं, वो सब भी मैनेज हो जाती है कंपनी में, कोई अलग तरीका नहीं है।
एंड दे ऑल्सो से कि इसमें टैक्सेस मतलब 1 रुपी से ही शुरू हो जाता है इनकम टैक्स को अगर हम लेके चलते हैं कंपनी के केस में, तो ये सारी चीजें भी वो बोलते हैं. तो मतलब आई डोंट नो वो सही है कि नहीं है, क्योंकि वो कहता है अभी 10 लाख की लिमिट है आपके पास प्रोवाइडरशिप में, उसके बाद आपका 30% करता है, ये होता है वो होता है, तो ये सारी चीजें बोलते हैं. आई डोंट नो, मैं उसको अभी मैं वही सोच रहा था कि आई जस्ट वॉन्ट करेक्ट गाइडेंस ऑन दिस. तो आपने जो बोला है वो तो एक बार कर ही लेंगे, मे बी वी कैन बुक अ कॉल. देखिए स्टार्टअप के लिए एग्जेम्पशन है, ठीक है, मैट लगता है. दिस विल बी काउंटेड एज अ स्टार्टअप. अगर मैं इतना पुराना एक्सपीरियंस लेके, मेरा इतना पुराना कंपनी है, एंड व्हेन आई एम ओपनिंग अ कंपनी, तो वो स्टार्टअप में ही आएगा. अगर आप नई कंपनी बना के सिर्फ एसेट ट्रांसफर करते हैं तो, और सच में कुछ नया करना चाहते हैं तो, है ना, जैसे आपने D2C की बात कही, वो स्टार्टअप है. और अगर आप सिर्फ टैक्स को बचाने के लिए, है ना, टैक्स एग्जेम्पशन मांग रहे हो, ये सब करने के लिए कर रहे हो, तो वो गलत है. मैं कभी आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा, ठीक है. तो एक तो आपकी प्रोप्राइटरशिप को आपने 10-5 साल जो भी किया, कल को आप किसी को बेचना चाहो, कोई एक चवन्नी नहीं देगा, बिकेगी नहीं, है ना. मैंने अपनी कंपनी 2 साल रख के सिर्फ कंप्लायंस करके बेच दी, ठीक है, अच्छे पैसों में बिक गई, सिर्फ कंपनी बिक जाती है, आप समझ रहे, उसकी वैल्यू है. आपकी प्रोप्राइटरशिप की कोई वैल्यू नहीं है. प्रोप्राइटरशिप जो है वो आपको तकलीफ ही देगी, तो आप उसको कन्वर्ट कर लें. और इस तरह की बातों में मत आइए. टैक्स जो है मैट भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, और बहुत फिनोमिनल प्रॉफिट आ क्यों रहा है. सबसे पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए फिनोमिनल प्रॉफिट किसी को, इसका मतलब आप एक्सपैंड नहीं कर रहे, है ना. जो 100 करोड़ कमा रही है कंपनी, उसका प्रॉफिट नहीं आ रहा, आपकी सेगमेंट में बता रहा हूँ, आपका प्रॉफिट कहां से आ रहा है, तो इसका मतलब आप एक्सपेंशन ही नहीं कर रहे. प्रॉफिट कब आता है, जब आप रुक जाते हैं, है ना. अच्छा. प्रॉफिट आप अगर एक दुकान खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली, बढ़ते चले गए काम में, एक टेरिटरी से दूसरी में, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे. तो फिर आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी तो बनाओगे ना. इसका मतलब जिस दिन आप प्रॉफिट ज्यादा कर रहे हो, उसका मतलब आईपी नहीं बना रहे. मेरा प्रॉफिट आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है इस महीने मुझे शायद 50-1 लाख का प्रॉफिट आया, तो मैंने अगले महीने डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर दिया, मेरी आईपी बन गई. एक बार जो कस्टमर मेरे पास आ गया, वो तो कस्टमर मेरे साथ ही रहेगा ना. जो फेसबुक ने जिसने मेरा पेज लाइक कर लिया, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, तो वो रहेगा ना मेरे साथ, मुझे बार बार तो नहीं लाना पड़ेगा उसको. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो बना ली, आपको नहीं बना रहे होंगे, मैं शर्तियां बोल सकता हूँ. और ये सारी सबके साथ प्रॉब्लम है. When you take out money, you pay tax. ना, आप पैसा देके सरकार को, आपका पैसा तो और कम हो गया, तो नेट आपको नुकसान पड़ता है. Okay. कम से कम आप आईपी बनाओगे कंपनी में, ट्रेडमार्क लोगे, ब्रांड नेम लोगे, तो प्रोप्राइटरशिप में थोड़ी करोगे ये सब, कोई फायदा नहीं है ना. और कोई ऐसी आपको एग्जेम्पशन बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं आते. ये तो आप स्टार्टअप करोगे तो आपको गवर्नमेंट से इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा, मैट देना बस, फिर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. Okay. And we are also into MSME. तो वो MSME का उसमें भी रहेगा, continued रहेगा? बिल्कुल. Private limited में? वो अलग से आपको दोबारा MSME certificate लेना मिल जाएगा. अच्छा, अलग से लेना.